शौर्य नर्मदा तीन ओवर का मैच रहेगा, तीन ओवर का। ये बच्चे लोग अभी थोड़ा सा बाहर जाना है, कोई बीच में नहीं आएगा, मैदान में नहीं आएगा प्लीज। चला पहला चेंडू वेगवान तेज तर्रार आणि तेज तर्रार सुरुवात ही देखील स्पर्धेला आणि या मॅचला झालेली आहे। जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर शौर्य नर्मदा इलेवन और कांजली के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। कांजली की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय, और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार पहला ओवर लेकर, और क्या बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ स्वागत करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज का। और हवे में खेला हुआ शॉट, विकेट का मौका बन सकता है, क्षेत्ररक्षक नीचे। जी हाँ, पहला झटका देते हुए यहाँ पर पहला विकेट प्राप्त किया यहाँ पर रवि ने, पहले डॉट बॉल और उसके बाद विकेट, विकेट का हुआ यहाँ पर पतन और बल्लेबाज को करना पड़ेगा थोड़ा सा जतन। जी हाँ, बात की जाए तो दर्शन के आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए आए हैं अशोक, पहले से ही क्रीज पर मौजूद सचिन का साथ देंगे। मालाड चषक में आए हुए सभी खिलाड़ियों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, तथा जो लोग इस मैच को यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, तथा जो दर्शक अपना कीमती समय निकाल कर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए ग्राउंड पर उपस्थित है उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अब आए हैं अगले बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बैटर अशोक, और पहली गेंद पर हवाई फायर किया है बाउंड्री लाइन की ओर, आसानी से यहां पर दो रन प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, इसी के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज अशोक। जी हाँ, विकेट के पीछे खेला हुआ शॉट, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं, क्या दूसरा रन लेंगे, गेंद गई है यहाँ पर डिक्लेयर जोन में, एम्पायर का इशारा दो रन का, इस दो रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हुए चार रनों पर। बात की जाए तो अब थोड़ी समय यहाँ पर ड्रॉ उड़ाया जाएगा, ग्रुप ए और बी के टीम के कप्तानों से गुजारिश है, अब थोड़ी समय में यहाँ पर ड्रॉ उड़ा जाएगा, मंच के पास आना है आपको। बी के ग्रुप के कप्तान आ चुके, ए टीम के कप्तान से गुजारिश है ए ग्रुप के कि वो मंच के पास आ जाए। किंग्स इलेवन के कप्तान से गुजारिश है मंच के पास आ जाए, थोड़े ही समय में अब यहाँ पर ड्रॉ उड़ाया जाएगा। जी हाँ, गेंदबाज रवि काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, आगे आकर खेलने का प्रयास किया, गेंद हवे में, विकेट की फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंद को फॉलो किया मगर कैच को ड्रॉप कर दिया, इसी के साथ यहाँ पर माफ कीजिएगा थ्री कैच था। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर छह रन है,
एक विकेट के नुकसान पर। जो एकमात्र विकेट खोया है वह दर्शन का। सूर्या नर्मदा इलेवन और कांदिवली सौर्य नर्मदा इलेवन वर्सेस कांदिवली के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। बात की जाए तो कांदिवली की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बॉलर नेम प्लीज। जी हाँ, हवे में खेला हुआ शॉट। आसानी से यहां पर एक रन प्राप्त करते हुए इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 7 रनों पर। काफी बढ़िया गेंद यहां पर, डॉट बॉल यहां पर कोई रन नहीं। बात की जाए तो इस इनिंग में काफी डॉट बॉल आए हैं, अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रही है यहां पर सौर्य नर्मदा इलेवन। दूसरा ओवर लेकर आए आशीष और स्विच इट खेलने का प्रयास किया। क्षेत्र रक्षक मौजूद, मात्र एक रन। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों में से मशहूर एक गेंदबाज आशीष गेंदबाजी छोर पर और हवे में खेला हुआ शॉट। जी हां, गेंद गई यहां पर 4 रन बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ लगातार टीम का स्कोर बढ़ते हुए 12 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो पहला ओवर लेकर आए थे रवि, उन्होंने मात्र 6 रन दिए। अब दूसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी छोर पर है आशीष मेहरुल। टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों में से मशहूर जो इस गोविंद नगर के मैदान पर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेर रहे हैं। चलो, एक ही टीम में हम देखेंगे तो आकाश चंदरिया, आशीष मेहरुल, रवि भुंबक, टेनिस क्रिकेट मधले एक नावाजलेले असे खेळाडू आणि उच्च दर्जाचे खेळाडू या मैच मध्ये आपल्याला खेळण्यात पाहतात। या गोविंद नगरी मध्ये या स्पर्धेमध्ये मालाड चषक मध्ये आपल्या सर्वांचंही देखील स्वागत असेल। प्रतिभाशी साइट अपन पहतो, चेंडू हवे मध्य है, खेलाड़ खाली तो जेल होने की संधि है, चुकी करना नहीं। अजुन एक गड़ीबात, बैक टू द पेविलियन। जी हाँ, आशीष ने बता दिया है कि वो टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों में मशहूर है, अपनी टीम को एक विकेट प्राप्त करके दिया। दूसरा झटका लगते हुए यहाँ पर कांदिवली की टीम को यहाँ पर, चला बैट्समैन अपने लवकर लवकर रेडी ठेवायचे, नेक्स्ट बैटर जो रहेगा वो जल्दी जल्दी रेडी होना है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कैप्टन थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है। जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बात की जाए तो कांदिवली की ओर से अब मोर्चा संभालने के लिए आए हैं शुभम, जो पहले से ही क्रीज पर मौजूद अशोक का साथ देंगे। बात की जाए तो यहाँ पर दूसरा ओवर प्रगति पर है और टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों में से मशहूर आशीष मेहरुल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को दूसरा विकेट प्राप्त करके दिया। यहाँ पर मालाड चषक 2024 गोविंद नगर का एक बड़ा मैदान, एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता। ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर मौजूद, एक रन ले लिया है, क्या दूसरा रन लेंगे? जी नहीं, मात्र एक रन से संतुष्ट। इस एक रन के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बहुत चुका है 13 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो पहले ओवर में 6 रन थे, अब दूसरा ओवर समाप्त होते होते टीम का स्कोर 13 रन पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो अशोक और शुभम की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। बात की जाए तो इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण किया है एचआर स्पोर्ट्स ने, क्या बढ़िया क्वालिटी उनकी, जितनी भी सराहना की जाए कम। हमारे कैमरामैन सवेरे से मेहनत कर रहे हैं अपने इस कैमरा पर फोकस करते हुए, इस ग्राउंड के ऊपर, इस विकेट के ऊपर।
सुनंदन और क्या गेंदबाजी किया यहाँ पर, जितनी भी सराहना की जाए यहाँ पर आते ही आते बल्लेबाज को यहाँ पर चलता किया। माफ कीजिएगा, हमारे सुनंदन और प्रसाद दोनों ही कैमरामैन सतत मेहनत करते हुए इस एचआर स्पोर्ट्स के लिए, दोनों ही कैमरामैन ने फोकस किए हुए हैं इस विकेट के ऊपर। जी हाँ, बात की जाए तो अब तीसरा विकेट गिरा है शैलेश। जी हाँ, मोर्चा संभालने के लिए अब आए हैं शैलेश। बात की जाए तो यहाँ पर कांदियोली की ओर से अगले बैटर आए हैं शैलेश, जो पहले से ही क्रीज पर मौजूद शुभम का साथ देंगे। कांदियोली की टीम ने टॉस जीता और ग्राउंड शॉट खेला हुआ, शॉट बाउंड्री लाइन की ओर गेंद, और यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग करते हुए मगर दो रन लेने से नहीं रोक सके। यहाँ पर पहला रन तो आसानी से प्राप्त कर लिया था मगर दूसरा रन यहाँ पर चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस दो रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 15 रनों पर। मालाड चषक एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट आप देख सकते हैं गोविंद नगर के इस बड़े मैदान के अंदर। 25 मई यानी सैटरडे को यहां पर 12 टीमें खेल रही हैं और संडे को 12 टीमें खेलेंगी यानी 26 मई को। मुंबई के कोने कोने से यहां पर आई हुई टीमें, इन सभी टीमों का हार्दिक स्वागत इस मालाड चषक में। फिर से एक बार तैयार, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। मालाड एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जिशान क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। बात की जाए तो इससे पहले वाले मैच में भी क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने, और बात की जाए तो अब दूसरा मैच खेल रहे हैं इस टीम के लिए और अभी भी पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है यहाँ पर। कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का। बात की जाए तो यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर है, टीम का स्कोर 17 रन हो चुका है। शुभम और शैलेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। आगे आकर खेलने का प्रयास, विकेट के पीछे जाती हुई गेंद, कीपर मौजूद, मात्र एक रन। अगर आपको इस एक बढ़िया टारगेट सेट करना है तो बड़े बड़े शॉट खेलने बहुत ही ज़रूरी, तभी आप एक बढ़िया टारगेट सेट कर सकते हो। क्योंकि आपकी टीम ने टॉस जीता, आपने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया मगर जिस प्रकार की रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, मैच को चलाने के लिए, उस रनों की आवश्यकता, उसके लिए बड़े बड़े शॉट खेलने बहुत ही ज़रूरी। आप सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मलाड एक्सप्रेस के नाम से मशहूर गेंदबाज जिशान का। ऑफसाइड में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, दो रन के लिए दौड़ पड़े हैं, रनआउट का मौका बन सकता है। जी नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित बल्लेबाज। इस दो रन के साथ लगातार टीम का स्कोर बढ़ते हुए 20 रनों पर। जी हाँ, तीसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी छोर पर मालाड एक्सप्रेस के नाम से मशहूर गेंदबाज जिशान। 20 रन हो चुके हैं इस ओवर की अंतिम गेंद। हवे में खेला हुआ शॉट और क्या बढ़िया यहां पर बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा इस क्षेत्ररक्षक ने, जितनी भी सराहना की जाए कम। बात की जाए तो जिशान ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की, अपने टीम को दूसरा विकेट प्राप्त करके दिया इस ओवर में। जैसा ही नाम वैसा ही काम करते हुए यहां पर जिशान मालाड एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। बात की जाए तो यहां पर शौर्य नर्मदा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। इक्कीस रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए और अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए।
चलो जल्दी जल्दी मैच चालू करना है, टाइम नहीं है। विनंती असेल की त्वरेने सामना चालू करायचा आहे। आपणास विनंती असेल की जास्त मीटिंग नको, जास्त चर्चा नको, तर प्लीज लवकर लवकर करायचंय। पंच आपल्यालाही देखील मी सांगू इच्छितो की लवकर लवकर बॅट्समन पाठवायचे। सौर्य नर्मदा इलेवन के कप्तान से गुजारिश है, जल्द से जल्द अपना बैट्समैन भेजे। अभी तक बढ़िया तरीके से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था और अब अपने अंतिम समय की ओर आशा करते हैं यह भी अच्छे से ही होगा। जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर एक टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों से मशहूर आकाश चिंदारिया, वह सौर्य नर्मदा इलेवन की ओर से यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए आए हैं। उनका साथ दे रहे हैं मनीष। चल, आकाश चंदरे आणि मनीष हे दोन्ही सलामी फलंदाज झालेले आहेत। तीन षटक संपले, त्या तीन षटकाच्या नंतर आता त्याला सामना जिंकण्यासाठी धावा वाढवायच्या आहेत। 21 धावा म्हणजे 7 सरासरीने धावा वाढवायच्या आहेत। प्रत्येक षटकारामध्ये तुम्हाला षटकामध्ये 7 धावाच्या रनरेटने 21 धावा वाढवायच्या आहेत। चला लवकर चलाय। चला, गोलंदाजीचे कमांड सांभाळले तो म्हणजे दर्शन, स्ट्रायकिंग एंडला आकाश। पहिला चेंडू बिकेट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थोडासा खाली राहिला, हीच खासियत आहे या गोलंदाजाची। जेव्हा जेव्हा गोलंदाजीला आलाय तर गोलंदाजांनी आपले जलवे दाखवलेत। चेंडू थोडासा खाली राहतोय, व्हेरिएशन आहे, कारण खेळपट्टी तशा प्रकारची आहे। आणि यंदा बघा ब्लॉकॉलमध्ये चेंडू टाकलाय, आकाश चंदरेने ओळखले की चेंडू ब्लॉकॉलमध्ये आहे, तर तशा प्रकारचा हा मोठा खेळाडू आहे। त्याला माहिती आहे की चेंडू कशा प्रकारचे, त्याने मला कशा प्रकारचा इथे खेळ दाखवायचा आहे। जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर कांदिवली की ओर से पहला ओवर लेकर आए दर्शन और क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर आते आते ही बल्लेबाज को यहाँ पर चलता कर दिया है। और पहला झटका देते हुए यहाँ पर सौर्य नर्मदा इलेवन को मनीष के रूप में, और क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर दर्शन, अपने दर्शन दिखा दिया अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाज को, और पहला विकेट गिरा यहाँ पर सौर्य नर्मदा इलेवन का मनीष के रूप में। पहला झटका लागला है, गेल्या मैच मध्ये मनीष ने अप्रतिम अशी फटकेबाजी केली होती आणि यंदा चला बॅट्समन रेडी ठेवायचा प्लीज। याच्यानंतर एक क्वार्टर आणि एक सेमी खेळवला जाईल, तर प्लीज लवकरात लवकर, चला आपण जर खेळ लवकरात दाखवला तर आपल्याला खरंच ओव्हर पण त्या हिशोबाने खेळवले जातील, कारण वेळेचा भान ठेवायचं आहे आपल्याला। सर्व महत्त्वाचं काय तर ती वेळ आहे, वेळेला महत्त्व द्या आणि वेळेनुसारच चला। जी हां, बात की जाए तो यहां पर 3 गेंद डाल चुकी है और मात्र 1 ही रन मिला है अभी तक। दर्शन की क्या गढ़िया गेंदबाजी और एक बेगार फिर लेग साइड में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन। अब आए स्टार स्ट्राइक पर टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी आकाश चिदारिया, जो सामना करेंगे गेंदबाज दर्शन का, जो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस बॉल, ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन से बड़े ही धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ते हुए यहां पर 3 रनों पर, एकमात्र विकेट जो खोया है मनीष के रूप में। क्लीन बोल्ड किया था उसे दर्शन ने, क्या गेंदबाजी कर रहे थे उस समय। और फिर से एक डॉट बॉल, और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंच चुका है 3 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अप्रतिम अशी गोलंदाजी म्हणावायला गेल दर्शनची, आणि स्वतःवरती विश्वास ठेवला आणि पहिला षटक घेऊन आले, आणि पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहिलं तर त्यांनी घाबरलं नाही, निडर होऊन त्यांनी गोलंदाजी केली, असं समोर पाहिलं की नाही की टेनिस क्रिकेटमधला मोठा फलंदाज माझ्या समोर आहे आणि मी कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार,
तो त्यांनी दाखवून दिले की अप्रतिम लाइन एंड लेंथ त्याने गोलंदाजी केली। माझ्या समोर कोणीही फलंदाज असू दे पण मला माझं स्वतःचा 100% द्यायचं आहे, याच याने दर्शन गोलंदाजी केली। तसंच आपण पाहतो तर येणाऱ्या या 28 मेला गुजरात धमाका बिग बॅश 2024 ही स्पर्धा ह्या ठिकाणी पुणे या ठिकाणी गुजरात ह्या ठिकाणी हा धमाका बिग बॅश धमाका बिग होणार आहे आणि त्या टीमचे कॅप्टन आपल्या समोर खेळताना दिसते आकाश चंदारिया आणि ऑनर असतील निलेशदादा भिंताडे यांच्या टीमचे ते कॅप्टन आहेत। तर त्या गुजरात बिग बॅशमधले हा एक टेनिस क्रिकेटरला मोठा स्टार आपल्या समोर ह्या गोविंद नगरीमध्ये आज या स्पर्धेमध्ये ह्या मॅचमध्ये आपल्याला खेळताय बघतोय। हे भाग्यच आहे म्हणावं लागेल गोविंद नगराच्या सर्व नागरिकांचं की एवढा मोठा प्लेयर आज आपल्याला आणि ह्या मॅचमध्ये भेटीला आलेला आहे। जी हाँ, बात की जाए तो दूसरा ओवर लेकर आए हैं सचिन और हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा। और ये काफी बढ़िया और सुंदर कैच यहां पर, इसी के साथ दूसरा झटका लगते हुए यहां पर एक आकाश चिंदारिया के रूप में एक टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी काफी उम्मीदी थे उनके टीम को उनसे। चला, आकाश शिंदारेसारखा एक मोठा खेळाडू बाद झालाय, अपेक्षा होती कॅप्टनला की आकाशने लवकरात लवकर जाऊन सामना संपवायचा आहे, पण खेळपट्टी आपण पाहिलं तर गोविंद नगरमध्ये तर तशा प्रकारचे आहेत की सकाळच्या क्षेत्रापासून ते आत्तापर्यंत गोलंदाजासाठी मदतगार झालेले आहे। चला ठीक आहे, या मॅचमध्ये या स्पर्धेमध्ये आकाश शिंदारे काय करू शकले नाही, पण मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपले बॅट्समन आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती ओळखला जाणारा तो एक मात्र असा फलंदाज मेहबाल, बुमबाक, आशिष चंदारिया असे तीन मोठे लेजंड प्लेयर या टीम मध्ये खेळताना आपल्याला पाहण्यात दिसत आहेत। काफी बढ़िया सुंदर गेंद यहाँ पर डॉट बॉल के साथ, यहाँ पर फिर एक बार बल्लेबाज का स्वागत करते हुए यहाँ पर गेंदबाज सचिन। लगातार यहां पर समीकरण बदलते हुए 10 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए यहां पर। ओहो, पुनः एकदा बिगिट, संपर्क चांगला झालाय का नाही, इथे ही गडी बाद झालाय, क्या बात है, मैच मध्ये वापसी केलेली आहे, कंपल्सरी चेस आहे। जसं जसं वातावरण बदलते तसे तसे हे क्रिकेटचं आणि या मॅचचंही देखील समीकरण बदलतंय। कोणाला माहिती की आता या टप्प्यावरती जाऊन मॅच इकडे थांबेल, काय कॉन्फिडन्स वाटते पाय फील्डमध्ये सर्व खेळाडूंचा, त्यांना माहिती आहे की आम्ही ना कुठे तरी कमबॅक केलेला आहे या मॅचमध्ये, पण अजूनही मॅच संपलेली नाही आहे। क्रिकेट म्हणतात की अनिश्चित अवका गेम आहे, त्याच प्रकारचं हे गेम आहे। नवीन बॅटर बात की जाए तो शौर्य नर्मदा 11 और कांदिवली के बीच मुकाबला खेला जा रहा है और क्या मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, दर्शकों का पूरा पूरा यहाँ पर मनोरंजन होते हुए इस मुकाबले में 21 रनों का लक्ष्य दिया गया है और लगातार यहाँ पर विकेट के बाद विकेट गिरते हुए यहाँ पर विकेट का पतन होते हुए सलमान अब आए अगले बल्लेबाज सलमान। यहाँ पर गोविंद नगर के एक लोकल बॉय के नाम लोकल बॉय है और अब मोर्चा संभालने के लिए आए हैं सलमान, जो सामना करेंगे गेंदबाज सचिन का, जो क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को अभी तक 2 विकेट प्राप्त करके दे दिया है इस ओवर में। देखते हैं क्या बड़ा कारनामा करते हैं अपनी टीम के लिए, काफी उम्मीदें हैं उनकी टीम को उनसे। चल, सलमान ने पहला मैच मध्ये काय केले ने गोल्डन डक चा शिकार झाला होता, पण ह्या मैच मध्ये पव्या काय करतोय। सर, आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, पुलकान्याचा मारा होता, चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे आणि एसटी रक्षकाचं कौतुक करत तेवढं कमी आहे, काय नजर आहे पाया त्यांची, डोळे अप्रतिम असे, चेंडूवरती शेवटच्या क्षणापर्यंत नजर हटवलेली नाहीये। बॅट्समन कितीही शपलो काही करू पण एसटी रक्षकाचं कौतुक करत तेवढं कमी आहे।
चौकार षटकार विकेट आला वाह वाई असते पण एसटी रक्षकाचं कौतुक खरच करावं लागेल। ग्राउंड शॉट खेला हुआ, शॉट फील्डर मौजूद, मात्र एक रन। इस एक रन के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ते हुए यहां पर चार रनों पर। अगर इस मैच को जीतना है यहां पर सौर्य नर्मदा इलेवन को तो एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, बड़े बड़े हिट की आवश्यकता, तभी आप इस मैच में बने रह सकते हो, इस मैच को जीत सकते हो, क्योंकि लगातार यहां पर रन रेट बढ़ते हुए और क्या बढ़िया गेंद यहां पर, एक बार फिर यहां पर सचिन की क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जितनी भी सराहना की जाए कम इस गेंदबाज की। अबे कितना चाहिए, एक रन दिला। बात की जाए तो मात्र एक रन दिया इस ओवर में सचिन ने। क्या गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर बात की जाए तो पूरे दिन का अगर हिस्ट्री लिखा जाए, हिस्ट्री निकाला जाए तो सचिन ने ही काफी बढ़िया गेंदबाजी की, मात्र एक रन दिया इस ओवर में। चला किंग्स इलेवन आणि नर्मदा वॉरियर्स, निर्मला वॉरियर्स, चला लवकर यायचंय। किंग्स इलेवन निर्मला, सहा चेंडू मध्ये 17 धावा, कोणाला माहिती असेल की इथपर्यंत हा टप्पा गाठेल। जर आपण समोरची टीम पाहिली तर मोठे मोठे दिग्गज त्या टीम मध्ये खेळत आहेत, पण तदनंतर दर्शन आणि सचिनने काय जबरदस्त गोलंदाजी केली। दर्शनने आपण सुरुवात केली तर चंदरेचं विकेट काढून 3 धावा दिल्या, सचिनने ह्या मॅच मध्ये ह्या ओव्हर मध्ये 1 धाव दिली आणि आता गोलंदाजीची अशोक 6 चेंडू 17 धावा, व्हाट अ ब्युटिफुल बॉलिंग सचिन अँड दर्शन। पुन्हा एकदा चेंडू खाली राहिला आहे आणि किपरचे दस्ताने पण नाही आहेत, पण हातामध्ये काय पॉवर आहे, चुंबक सारखा चेंडू चिपकतोय। किपर यू आर व्हेरी सुपर, जबरदस्त 5 चेंडू 17 धावा, काय मॅच रंगली पहा। चलो 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 जल्दी करना है प्लीज। भाई क्या हुआ जय भाई, दोनों में टॉस का क्या हुआ, कौन किंग्स? बिगीट, टाइमिंग प्रॉपर आहे, डिस्टेंस मिळेल आणि चेंडू या सीरीज फरार, 6 धावांसाठी मॅच संपलेली नाहीये, 4 चेंडू शिल्लक आहेत अजून आणि धावा 11 बनवायच्यात, 4-11। चलो फील्डिंग फील्डिंग जल्दी। जी हाँ, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी किसी समय पलड़ा बदल सकता है, कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज की ओर। मगर यहाँ पर दर्शकों का पूरा पूरा आनंद होते हुए इस मैच द्वारा आप देख सकते हैं, एक समय जब इनिंग शुरू हुई थी तब मात्र 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी, मगर अब मैच खत्म होते होते यहाँ पर अब 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है अब इस मैच को जीतने के लिए। बात की जाए तो स्ट्राइक पर है सलमान, सामना कर रहे हैं गेंदबाज अशोक का, और फिर एक बढ़िया वापसी करते हुए यहां पर अशोक, डॉट बॉल, माफ कीजिएगा, एक रन 3 धावा ना। अब लगातार समीकरण बदलते हुए इस मैच को जीतने के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। साला 3 चेंडू मध्ये 10 धावा बनवायच्यात, कंपल्सरी चेस आहे, 3 चेंडू आहेत तुम्हाला पुढच्या फेरीमध्ये घेऊन जाण्यासाठी, पाहूया कोणची टीम जिंकून पुढच्या फेरीमध्ये जाते ती। 3 चेंडू 10 धावा, स्ट्रायकिंग एंडला आहे अक्षय, पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू अप्रतिम टाकलाय आणि एसटी रक्षक कौतुक करावं लागेल, आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये सगळ्यात जबरदस्त कीपिंग शैलेश द्वारा, काय बात आहे शैलेश,
आपला ही देखील पूर्ण योगदान आहे। जी हाँ, आप इस मैच को जीतने के लिए दो गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर है सलमान। क्या आपने दबंग बल्लेबाजी से अपना दबंग बल्लेबाजी से अपनी टीम को जिताएंगे? दो गेंद 10 रन, 10 रन दो गेंद कांदिवली या सौर या नर्मदा 11। देखना है कौन सी टीम इस मैच को जीतती है, गेंदबाज या बल्लेबाज, बल्लेबाज या गेंदबाज। जो भी टीम जीतेगी अगले राउंड में प्रवेश करेगी। जो भी टीम इस मैच को जीतती है सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। एक याद, एक मैच याद है श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच में, जो शमीन दवास को दो गेंदों में 10 रन चाहिए तो चंद्रपाल ने वो मैच जिताया था। लेकिन इसी के साथ एक रन और अब गेंदे बची है एक और रन बनाने हैं 9। अब आपको जो भी बचा सकता है तो भाई ऊपर वाला ही बचा सकता है, एक चमत्कार बचा सकता है। जी हाँ, मात्र औपचारिकता ही रह गई है इस मैच में, एक गेंदों में 9 रन। मगर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हवा में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा। और ये कैच ड्रॉप हुआ मगर मैच को जीत लिया यहाँ पर उनकी टीम ने और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है जीतने वाली टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। चलो इसके बाद का मुकाबला किंग्स 11 नर्मदा वॉरियर्स, निर्मला वॉरियर्स। चलो आ जाओ निर्मला और किंग्स 11। भाई जल्दी आओगे तो ओवर खेला जाएगा, जल्दी लेट करोगे तो ओवर कम किया जाएगा। प्लीज अब यही ऑप्शन बचा है आपके सामने।